नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी विद सेंट जोन एम्बुलेंस एसोसिएशन की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए मोबाइल प्रदर्शनी बस आज सिरसा पहुंची। यह बस जिला के विभिन्न खंडों में पहुंचकर रेड क्रॉस विद सेंट जोन की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करेगी। इसी को लेकर सिरसा के रेस्ट हाउस से उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने इस बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल प्रदर्शनी बस सिरसा से ओडा, कालावली, डबवाली, एलनाबाद, रानिया व नाथूसरी चौकटा होते हुए वापस सिरसा पहुंचेगी। सिरसा उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि रेडक्रॉस सोसाइटी के भारत में 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल प्रदर्शनी बस को हरियाणा के सभी जिलों में भेजा गया है। आज सिरसा जिले के विभिन्न गाँवों में यह बस रेडक्रॉस सोसाइटी विद सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए जाएगी। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के जिला प्रशिक्षण अधिकारी गुरमीत सिंह सैनी ने बताया कि गत 28 फरवरी को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ से महामहिम राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने शताब्दी वर्ष प्रदर्शनी 2020 की 3 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इन जागरूकता बसों द्वारा हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों में रेडक्रॉस विद सेंट जॉन की गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आमजन को इस मोबाइल प्रदर्शनी के माध्यम से रेडक्रॉस द्वारा दिव्यांगों के कल्याणार्थ किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। ये 100 साल पूरे हुए हैं भारत के अंदर जो रेड क्रॉस सोसाइटी के 1920 में शुरू की गई थी। तो रेड क्रॉस की जो गतिविधियां हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है इसको ये बस जो है रवाना की गई है। पूरे ज़िले का ये राउंड लेगी और जिससे कि हमारी गतिविधियों के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी इसके अंदर जो इसके दायरे में नहीं है या नहीं जानते वो भी जान पाए, इसीलिए ये प्रचार प्रसार के लिए उन 100 साल पूरे होने के लिए उसके सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में इसको रवाना किया गया। जैसा कि आप हमारे पीछे एक बस रथ के रूप में देख रहे हैं, ये जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक मुहिम है लोगों को जागरूक करने के लिए। इस रथ को रेड क्रॉस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय गवर्नर साहब ने, जो कि स्टेट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने 28 फरवरी को हरियाणा में 3 बसेस को इस रूट के ऊपर निकाला है ऑल हरियाणा के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। जैसा कि ये बस अभी पीछे हमारे देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी से जींद से होकर के यहाँ सिरसा पहुँची है और जींद और भिवानी के कई गांवों को, कई कस्बों को ये कवर करते हुए यहाँ पे आई है। जैसा कि सिरसा में इसको अभी DC साहब यहाँ से बींगे प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहाफ से इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, गांव-गांव और कस्बे-कस्बे के अंदर एक मुहिम को जारी करते हुए और लोगों को रेड क्रॉस गतिविधियों से अवगत करवाने के लिए। क्योंकि लोगों के रुझान के बीच में सिर्फ इतना ही है कि रेड क्रॉस एक सिर्फ ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाती है या सिर्फ ट्रेनिंग का कार्य करती है, ऐसा नहीं है। बल्कि रेड क्रॉस में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो कि बुज़ुर्गों तक, महिलाओं तक उनकी सेवा भावना को लेते हुए एक मतलब कार्य करते हुए आगे बढ़ती है और विश्वव्यापी संस्था होने के नाते आज ये बहुत सारे देशों के अंदर अपना काम कर रही है। बस स्टैंड सिरसा से होते हुए रेलवे स्टेशन सिरसा और सांगवान चौक से होते हुए इस बस का जो रूट रहेगा वो ओढ़ा, डबवाली, एलनाबाद और रानिया की तरफ से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे को ये बस कवर करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए निकलेगी। इसके बीच में हमारे रेड क्रॉस सेंट जॉन की तरफ से 2 वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो अलग अलग लोगों को एकत्रित करके बस के बीच में, इस रथ के बीच में एक डॉक्यूमेंट्री जो कि LCD के माध्यम से लोगों को प्रचारित करते हुए दिखाई जाएगी कि रेड क्रॉस की क्या क्या गतिविधियाँ, कैसे कैसे वो लोगों के सहायतार्थ काम कर रही है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो लोगों को जागरूक करना, चाहे वो महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों या
हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी रेड क्रॉस सेंट जॉन की एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा के समय कहीं पे भी रेड क्रॉस जो है अपने मतलब मंतव्यों को पूरा करते हुए जन सेवा हेतु कार्यरत होने का प्रयास करती है।